आज आपको पढ़ना है जूट, जिसका यूज होता है जो है काटन फाइबर के बाद जो दूसरा फाइबर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जूट के प्लांट से। देखिए, जूट इज ए लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। कहने का मतलब है कि जो जूट होता है वह बहुत ही लंबा लंबा होता है, सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है, और यह किससे प्राप्त होता है, जूट प्लांट से प्राप्त होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पटसन या पाट। देखिए, जो इससे फाइबर मिलता है वह मिलता है गोल्डन फाइबर, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है कि यह गोल्डन फाइबर है। अब देखिए, यह नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं कि यह बायोडिग्रेडेबल है, ड्यूरेबल है, ज़्यादा समय तक चलता है, स्ट्रांग भी है। तो हमारे देश में जो है इसकी जो खेती है वह वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इंडिया का सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। असम बिहार में होता है कुछ ही एरिया में, जहाँ पे गंगा किनारे वाले क्षेत्र होते हैं और जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वाले। देखिए, इसके लिए जो है खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम क्या करते हैं, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जैसे एलुवियल सॉयल, वहाँ पर पानी की सुविधा भी हो। जब जूट क्या होता है उत्पादन करना है तो वहाँ पे जो मौसम है वह हॉट हो, ह्यूमिड हो, कहने का मतलब है कि गर्म मौसम हो और बहुत ज़्यादा क्या हो, आर्द्रता हो। और जब यह क्या हो, जब ग्रो कर रहा है तो उसमें खूब बारिश होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में बारिश होनी चाहिए। तो देखिए, कल्टीवेशन ऑफ जूट कैसे होता है, तो इसका जो सीड होते हैं वह कब बुआई की जाती है, मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है, इसलिए यह क्या कहलाता है, रेनी सीजन क्रॉप कहलाता है। जो जूट का प्लांट होता है 6 से 12 फीट हाइट इसकी होती है लंबी, और जब यह क्या करता है, येलो कलर का मतलब कि पीले रंग का जब फूल लगता है इसमें, तभी इसको काट दिया जाता है। काट करके देखिए, यहाँ पे पानी के किनारे लेके दिया गया, जहाँ पानी है नदी के किनारे, जहाँ पर पानी क्या होता है स्थिर रहता है, स्टेबल वाटर रहता है, पॉन्ड्स का हो गया, तालाब का हो गया, वहाँ पे लेके जाया जाता है। लेकिन क्यों लेके जाया जाता है, पहले उसके पहले जान लीजिए कि जब फूल लगते हैं तब यह यंग स्टेज में रहता है, मतलब खूब ज़्यादा ही स्टेम इसकी अच्छी रहती है। लेकिन अगर ओल्ड हो जाता है तो इसकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, स्टेम हार्ड हो जाती है, तो इससे फाइबर निकालने में दिक्कत होती है। तो जब फूल लगते हैं तब इसकी स्टेम क्या होती है, अच्छी होती है, और इसको फाइबर निकालने में दिक्कत नहीं होती है। आप देख सकते हैं 12 फीट से लंबा ज़्यादा लग रहा है। तो इसको जो है बंडल के रूप में पहले बांधेंगे, फिर इसको ले जा करके जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं, स्थिर वाटर होता है, उसमें 20 डेज के लिए पानी के अंदर दबा दिया जाता है मिट्टी के। अब बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, इसके ऊपर का जो स्टिकी मैटर होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो रेशे को फाइबर को पकड़े रहता है, उसको बैक्टीरिया क्या करता है, गला देता है, डिकम्पोज कर देता है, खा जाता है, और बाकी जो फाइबर होता है वह बचा रह जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। अब देखिए, रेटिंग होने के बाद क्या होता है, जब इसको बाहर 20 डेज के बाद निकाले जाएंगे तो
तो इसके जो फाइबर होते हैं, स्टेम फाइबर होते हैं, वह हाथ से निकाले जाते हैं। इसको हाथ से जब निकालेंगे तो अभी दिखा रहे हैं कैसा रहता है। ये जब हाथ से निकालेंगे तो ऐसा ही निकल के आता है, देखिए गोल्डन कलर का है। तो ये क्या कहलाता है? गोल्डन फाइबर। देखिए इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बंडल में बांध करके मिल्स में भेज दिया जाता है। ये देखिए, ये है जो है जूट का जो प्लांट है, उसमें से जब उसकी जो ग्रीन पार्ट है, जो चिपचिपे पदार्थ थे, स्टिकी मटेरियल थे, वो सब कौन खा गया? बैक्टीरिया। तो उसके बाद जब हम बाहर पानी से निकालेंगे, उसमें से ऐसे ही निकलता है ये सब। ऐसे हवा में इसको टांग करके सुखवा देंगे और फिर इसको कहाँ भेज देंगे? बंडल बना बना करके मील्स में भेज देंगे। देखिए एक बार जब मिल ये फाइबर मिल जाएंगे तो इसको हम किस में बदल देंगे? धागा में। और इसे ही बोलते हैं, धागा बनाने को ही बोलते हैं, फाइबर से धागा बनाने को, फाइबर से यार्न बनाने को ही बोलते हैं स्पिनिंग। और स्पिनिंग आपको पढ़ा दिए हैं। स्पिनिंग का मतलब हो गया कि फाइबर से हम क्या बना रहे हैं? यार्न बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं। ऐसे ही होता है, देखिए जूट का प्लांट जब हम डिकम्पोज करने के बाद निकालते हैं तो ऐसे ही रेसे निकलते हैं। अब देखिए जूट का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला यूज होता है देखिए कपड़े बनाने में, रैपिंग बेल्स बनाने में होते हैं, चटाई बनाने में होते हैं, गन्नी बैग्स बनाने में होते हैं, पोटैटो सैक, कारपेट, सर्टेन कोर्स क्लॉथ, रोप्स। तो जूट के फैब्रिक भी बनते हैं। देखिए ये जो आप बोरा देख रहे हैं, ये किसका बना हुआ है? जूट का ही बना हुआ है। ये देखिए रस्सी है, ये भी जूट की बनी है। ये जूता देख रहे हैं, ये भी किसका बना है? पेंडिंग करके कर दिया गया, ये जूट के ही फाइबर से बना हुआ है। ये देखिए सामान जो होती है सजावट में आती है, तो ये भी डेकोरेशन वाली जो भी सामान है, ये सब किसकी बनी है? जूट के फाइबर से बनी है। ये भी देखिए ये सब किससे बना है? जूट फाइबर से बना है। ये भी देखिए जूट फाइबर से बना है। तो जूट फाइबर से हम क्या बना सकते हैं? रैपिंग बेल्स, मतलब जो हम कोई चीज़ होता है उसमें रैप करते हैं, लपेटते हैं। और एक्सटेंसिव यूज जहाँ होता है, गनी बैग्स होते हैं, पोटैटो सैक्स, कारपेट बनाने में, कपड़े भी बनाते हैं। और इसका हम क्या बनाते हैं? जूट फैब्रिक भी बनाते हैं, जूट के कई कपड़े बनाते हैं। देखिए जैसे ये आजकल आपको ये बैग मिल रही होगी, कहीं जाते होंगे तो वो काट जूट का ही बनता है, जूट के फाइबर का। कहीं शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको यही थमा देंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है बाद में, इसे नेचर कोई नुकसान नहीं होता। ये देखिए कपड़े भी बनते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, गर्मी से बचाते हैं। ये भी देखिए, ये भी जो है फैब्रिक बना है, जो आपका जूट फैब्रिक्स हैं, कपड़े हैं। तो ये सब चीज़ें जो है किससे बनी हैं? जूट के प्लांट से। बाकी चीज़ें अगर आपको जूट के बारे में ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं।